तो अब हमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन टू मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट डीकंपोजेस टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो क्या है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे कि के सी इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इंटू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स. जब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इनकी यूनिट्स क्या हैं, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का हम स्केयर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो उसकी यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर. अब यहाँ पर जब हम इसका स्केयर फाइंड आउट करेंगे 3.90 का, तो आंसर आएगा 15.21. 1.1 का स्केयर आंसर आएगा 1.21. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा हमारे पास 24.51. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, तो क्या हमारे पास यूनिट्स बाकी रह गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 2, व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन गैस. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कैलकुलेट की गई, वो थी हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड आयोडीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि के सी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्केयर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं. वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जब हम यूनिट्स को देखेंगे तो यूनिट्स में क्या आएगा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस की यूनिट्स हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन के यूनिट्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स मौजूद हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब को 2 टाइम्स लिखा है. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसके स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर आएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा और इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.019 जो कि वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कि हमें फाइंड आउट करना था. और यूनिट्स का क्या हुआ कि यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गए और ये सब जो है हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं रहे.